गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आज हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर टर्म वन का इंग्लिश uh, इलेक्टिव जिसका कोड है जीरो जीरो वन देखने वाले हैं बेटा जो सी बी एस ई द्वारा जो है जारी किया गया है इशू किया गया है जो टर्म वन के लिए हैं टेन प्लस टू क्लास के लिए क्लियर कोर uh, हम अपलोड कर चुके हैं बेटा वो हम देख चुके हैं आज हम करेंगे इलेक्टिव का कि इस पर क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं किस किस सेक्शन uh, में कौन कौन से मार्क्स कितने कितने क्वेश्चन जो है दिए गए हैं सो लेट्स गेट स्टार्टेड बेटा टाइम अलाउडेड यू कैन सी जैसा कि आप देख पा रहे हैं नाइन्टी मिनट्स मैक्सिमम मार्क्स है फोर्टी बेटा जनरल इंस्ट्रक्शंस को आप केयरफुली स्टडी करना देखना और फिर क्वेश्चन पे जाना आपने कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का जो है दिया गया है सेक्शन ए रीडिंग ये भी हम कर चुके थे बेटा वो जो कोर वाला जो सब्जेक्ट था पेपर था उसमें सिमिलरली ये भी रहने वाला है आपके लिए देख सकते हैं आपके भाई जो क्वेश्चंस दिए गए हैं एक्सर्प्ट दिया गया है आपका एब पैसेज का उसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हैं बस ये आपने ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमने जो है सॉल्व करने हैं एग्ज़ामिनेशन में टर्म वन में और टर्म टू में सिमिलरली ही रहेगा सिलेबस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ कि टर्म वन और टर्म टू का क्या क्या सिलेबस आएगा और वो कैसे कवर करना है इसमें क्या क्या रहेगा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने प्रिपरेशन करनी है टर्म वन और टर्म टू सिलेबस के लिए एग्ज़ामिनेशन के लिए इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाह रहे हैं बेटा तो आप वहां से ले ले सकते हैं आप इसका स्वरूप देखिए बेटा किस तरीके से ये एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा और ऑप्शनल में क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन जो है दिए दिए जाएंगे टोटल ये जितना भी रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही रहेगा आपका क्लियर सो ऑन द basis ऑफ दैट क्वेश्चन पेपर वी हैव टू प्रिपेयर आर सेल्फ हमने अपनी तैयारियाँ इसी ही पेपर सेटअप के द्वारा ही करनी है इसमें आपके लिए ऑप्शन भी दिए गए हैं और uh, कुछ है क्वेश्चन होंगे जो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए दिए गए हैं उसे भी आप कर सकते हैं अगर आप करना चाह रहे हैं uh, अभी एनअल में आपने वही क्वेश्चन करने हैं जो आपके लिए दिए होंगे वो क्वेश्चन नहीं करने हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स के लिए दिए होंगे इसका आपने विशेष ध्यान रखना है ये आपने जनरल इंस्ट्रक्शन में जो है ध्यान से पढ़ना है कि आपने कौन सा क्वेश्चन कितने मिनट में करना है और कैसे करना है और कौन कौन से क्वेश्चन आपने करने हैं कोई भी क्वेश्चन आपका जो है स्किप ना हो पाए क्वेश्चन बैंक भी सीबीएसई बोर्ड ने जो है इशू कर दिया है वो भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा उसका पीडीएफ उसके बेस पर भी आपने अपनी जो है प्रिपरेशन जारी रखनी है देख सकते हैं बेटा हमने किस तरीके से तैयारी करनी है टर्म वन और टर्म टू एग्ज़ामिनेशन के लिए सिमिलरली यही पेपर आपका जो है आने वाला है पेपर में इस तरीके से हमने तैयारी करनी है सो पे अटेंशन टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन केयरफुली वीडियो को पॉज करिए और आप क्वेश्चन को धीरे धीरे जो है स्टडी करें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और लास्ट में मैं आपको आंसर की मार्किंग स्कीम भी अपलोड करा दूँगा और आपने अपने आंसर्स वहाँ पर जो है चेक कर लेने हैं इसमें भी जो है इलेक्टिव और कोर जो सब्जेक्ट है आपका इसमें सिक्सटी सिक्सटी ही टोटल क्वेश्चन रहने वाले हैं और आपने ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितने भी पूछे जाएंगे आपने उतने ही अटैम्प्ट करने हैं ओवर अटैम्प्ट करने की कोशिश नहीं करनी है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगी और जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे उसकी जो मार्किंग स्कीम रहेगी जो मार्क रहेगा वो रहेगा आपका जीरो पॉइंट एट जीरो सेक्शन वाइज देखना आपने वीडियो पॉज करके इसको आप देख सकते हैं और प्रेपरेशन कर सकते हैं क्वेश्चन बैंक में मैं आप लोगों के लिए अपलोड करा दूंगा जिससे आपको आसानी रहेगी कि हमने इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं दैट्स ऑल फॉर टुडे हैव अ नाइस डे बेटर